स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनीता रावत। उत्तराखंड में मौसम के करवट बदलने का सिलसिला चारधाम यात्रा के साथ ही शुरू हो गया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के 5 पहाड़ी जिलों में गर्जना के साथ ओलावृष्टि, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि और गरज के साथ तीव्र बौछारें पड़ सकती हैं, साथ ही मैदानों में आंधी के साथ तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में मध्यम बारिश होने की संभावना है। बुधवार को उत्तराखंड में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद भी मौसम विभाग ने जताई है। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की, तो बारिश की वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से जंगलों में लगी आग भी कुछ हद तक शांत हुई है। हालांकि ये बारिश चारधाम यात्रा में बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन और बाकी चीज़ों का खतरा बना हुआ है। ऐसे में देखना ये होगा कि बदलते मौसम की चुनौती के बावजूद व्यवस्थाएं क्या श्रद्धालुओं की चारधाम यात्रा को सफल बना पाती है या नहीं। अभी की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जेजेएन न्यूज में जारी है, तो आप देखते रहिए और बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।